तो जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? क्योंकि यहाँ पे हाल थोड़े बेकार है। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल सुबह सुबह से ही 11:30 बज रहे हैं। पापा जी की दवाई लानी है। पापा जी खराब है बेटा, स्लिप डिस्क की। हाँ गाइस, पापा जी को स्लिप डिस्क हो रखी है और हाल ही में बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है। कल पूरी रात नहीं सोया, बोलो 1 मिनट भी। हाँ भाई, कल पापा गाइस पूरी रात नहीं सोए हैं, बैठा रहा है, लेटते दर्द शुरू। तो जी कोई नहीं, मैं फटाफट जाती हूँ, पापा की दवाई लेके आती हूँ। पापा का जो क्लिनिक है वो है भाई चेतकपुरी में। मम्मी जी बाय। बाय बेटा, चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग, बाय बाय। तो गाइस फिलहाल हम मेडिकल शॉप तो पहुंच गए भाई, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैं इतने टाइम बाद आती हूँ ना तो मेरे को याद नहीं रहता एक तो डायरेक्शंस। तो बाकी भैया अभी दवाई निकाल रहे हैं और फिर बिल पे करके फटाफट से घर चलते हैं, क्योंकि पापा जी को इतनी तेज पेन हो रहा है ना कि मैं बहुत जल्दी जल्दी गाड़ी चला के आई हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं दवाई दे दूँ पापा जी को। थैंक यू भैया। तो गाइस मेडिसिन तो ले ली है, अब फटाफट से घर चलते हैं। वैसे तो मैं मास्क लाई थी लेकिन व्लॉगिंग के लिए कोई वहाँ पे था नहीं ना, तो मैंने मास्क लगाया नहीं, मतलब इट वाज ऑल एम्प्टी। अगर होते तो मैं लगाती जरूर से, मास्क मेरी जेब में ही रखा है। तो फटाफट से घर चलते हैं और अब आपको सीधे घर पे मिलती हूँ। तो भाई घर आ गए फटाफट से, अब चल के दवाई देते हैं पापा जी को। वाह पापा जी, ये सही है। अब पेन कैसा है मम्मी पापा का, है ना? गाइस फाइनली ये 14 घंटे सोने के बाद उठ गया है और ये फिर सोने की तैयारी में। देखिए कैमरा कॉन्शियस बहुत ज्यादा छुप गई। तो जी दवाई दे दी है पापा को, पापा ने ले भी ली है। ही इज फीलिंग मच बेटर नाउ, मतलब आप सोच रहे हो बहुत जल्दी, लेकिन वो दवाई है थोड़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा फील हो रहा है पापा को। सबसे अच्छी बात ये, पापा जितना हो सकता दर्द सहन करते हैं बताते नहीं है। सो मैं तो परेशान हूं ही, देखो गाइस, क्योंकि ये मुझे फिर लेके जा रही है कहीं, इसलिए मैं परेशान हूँ। गाइस मैं ज्यादा दूर नहीं, नीचे डेली नीड्स ही लेके जा रही हूँ, वो भी इसलिए कि ये एक दो सामान पकड़ेंगी मतलब सामान नहीं पकड़ेंगी, ये अपनी पसंद का सामान वहां से उठाएंगी। अब मैं जा रही हूँ तो कुछ तो लूंगी ना। चलो भाई, ऐसा है कि छत पे जाने की अभी जरूरत ही नहीं है, यहाँ इतनी अच्छी धूप आ रही है पर ठंड भी लग रही है। 2 दिन से अच्छी धूप आ रही है यहाँ। हाँ मम्मी सेटिस्फाइड, सूख जाते मेरे, मम्मी सेटिस्फाइड। मम्मी के भी यही हाल है। तो जी सामान ले लिया है और मम्मी बोल रही है उन्हें मुझ पे दया आती है। हाँ ना यार, पापा भी बीमार हो गए तो उधर भागती है तू, अभी फिर कुकू को लेके जाना पड़ेगा तुझे रेडिसन, पापा की दवाई, फिर मेरे साथ छत पे भी चलेगी, मेरी हेल्प हो जाए। थोड़ा और बोलो, अच्छा लग रहा है सुन के गाइस। पहली बार तो ये तो आज मतलब पहली बार आप लोग सुन रहे होगे, इनके मुंह से मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं निकल रहा है। मन में तो अच्छे से सोचती हूँ, बोल मुंह से निकलते यहाँ अटक जाते हैं शब्द, तुम्हारी तारीफ तो आज निकल गए। हलक से खींच के निकाल लूंगी अच्छे शब्द अपने लिए। नहीं तू बहुत अच्छा बच्चा है गाइस, ये बहुत अच्छी बेटी है, इसके पापा से बेटी थी अपना बेटा बोलते। तो जी फिलहाल सामान ले लिया हमने, भैया ने ऊपर पहुंचा दिया है सामान, घर पहुंच चुका है। अब ऊपर चलते हैं भाई, पापा से पूछते हैं हालचाल क्या है और फिर जाते हैं छत पे मम्मी जी के साथ उनके कपड़े उठाने। तो जी घर आ गए थे गाइज हम, और मम्मी जी ने आते ही खाना लगा दिया, इन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं कि मेरे को भूख लग रही है कि नहीं। मैंने जरूरत नहीं समझी, 1:30 बजे में जरूरत नहीं समझती पूछने की, सीधे लगा देती वरना फिर मेरा ड्यूटी टाइम खत्म। ये बताया क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ उनकी दिक्कत क्या है, ये अपने आपको समझती है बहुत बड़ी डॉन है। मैंने कुछ दिलाया मेरे को अंटे में करके रखती है यार। अच्छा सॉरी मम्मी, लाओ खाना भाई, ये हमारे आखिरी स्लॉट बचा है पाव भाजी का। हाँ भाई भाजी अब थोड़ी सी बची और ले लेना बेटा। चलो थैंक यू जी। तो फिलहाल खाना खाते हैं और कुक्कू का अपडेट दे दूं, उसकी तबीयत अभी बेटर है, नहा धो ली है आज थोड़ा सा और शैम्पू वैम्पू किया है तो बाल सुखा रही है, तो जैसी तैयार हो जाती फिर आपको मिलवाती हूँ। क्या हो रहा है? मैम सो रहा है, मैं अभी आ गई भाग के। क्यों आई? अरे एक तो आपके लिए आई हूँ। मेरे लिए? हाथ ले बेटा, उठा कपड़े। हाँ ठीक है, मत दो कैमरा दे दे तू काम कर ले। नहीं अच्छा छोड़ो यार, मैं तो धूप खाने आई हूँ भाई, मजा आ गया। तो फिर खाना कौन खाएगा? ये देखो फटे मत मारो गाइस, मेरे आपको मेरे जोक्स अच्छे नहीं लगते क्या? ये सिंपैथी देखो घर में चल सकती है यहाँ नहीं। देखो एक बार हम तो आपकी सिंपैथी ले लेंगे। अच्छा ठीक है जल्दी काम करो।
मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना, क्योंकि छत पे आके मेरे को कल वाली शॉपिंग मम्मी ने जो धो दी थी ना वो सूख गई है भाई। ये देखो गाइस, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है मम्मी। थैंक यू। मैंने ना कल आते ही ट्राई किया उसको, एकदम परफेक्ट भाई, साइज वगैरह सब परफेक्ट। और मम्मी से बोला कि इसको धुलने में डाल दो, धुल के भाई बिल्कुल सही हो गई है। तो अभी मैं नीचे जाके इसको सबसे पहले मैं ही पहनूंगी, अभी आज ही पहन लेती हूँ। पापा को तो दिखाई नहीं, पर पापा हाँ पापा को भी नहीं दिखाई भाई, पापा को दिखानी है ये, मेरे को तो बहुत पसंद आई यार मम्मी, थैंक यू ब्रो। और गाइज मैं आपको बता दूं, कुछ भी खरीद के लाएगी शॉपिंग में कपड़े तो अपने पापा को जरूर दिखाती, क्योंकि पापा को बुरे भी लगे तो वो कभी भी तारीफ भी करेंगे, बुराई कभी करते ही नहीं। तो क्या हो गया पापा को दिखाती हो तो, है क्या हो गया? नहीं निकालते हो, थोड़ा उधर देखो, अभी पोर्ट्रेट मोड में ले रही हूँ। अब मम्मी चश्मा हिलाओगी तो कैसे? वीडियो में, वीडियो कैसे, वीडियो थोड़ी, फोटो दिखाई, मैं मान जाऊं। पता है मुझे से वाकिफ हूँ मैं। मजा आ गया, मैंने इनको बोला कि बढ़िया फोटो लेती हूँ ऐसे। गाइस अभी छत पे तो अच्छा नहीं लगेगा, नीचे जाके पिटेगी ये। तो जी खाना वाना हम लोगों ने खा लिया, उसके बाद थोड़ा सा आराम भी कर लिया है, मतलब थोड़ा सा यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह देख लिए हैं। और अब कुकू जी तैयार होने लगी है, मैं तो ऑलरेडी सुबह से आज तैयार होकर घूम रही हूँ, मैं नहाई हूँ नहीं क्योंकि सुबह होते ही दवाई लेने चली गई थी। तो जी हाँ, फिलहाल मैं और कुकू जा रहे हैं एक बहुत जरूरी जगह, जो कि आपको पहुंच के बताते हैं, एक इम्पॉर्टेंट सा काम है वहाँ पे, सब कुछ वहीं पहुंच के बताएंगे। और जाने से पहले मैं और कुकू थोड़ी देर पापा जी के साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि पापा को बहुत दर्द हो रहा है, पापा अपनी जगह से हिले नहीं है सुबह से। ऐसे करो, बहुत ईजी है, अब मुंह बंद कर कैसे करो, उलझाती हो अपने जाल में, पहले सिंपल चीज बता दो। ओ पापा कर रहे पापा की कर दो। अरे बाप रे, तू तो कर पता, जबान भी ऐसे उल्टी कर लेती है। हाँ यार कुकू, वो जीभ वाला कर, फिर से कर, और वो जो एक फ्लावर बनाती है वो सब नहीं आता। अरे तू जादू टोटकन, और ये पता नहीं कैसे हाथ को ऐसे उल्टा करके, अरे ये सब नहीं दिखाना कोई अपनी ऑडियंस, कोई मेरे जैसी उसको तो बीपी बढ़ जाएगा, तो मेरा तो ये सब देख के बढ़ जाता है भैया। गाइस मेरी तबीयत खराब है, तब भी इसको मेरे पे बिल्कुल दया नहीं आती है, मेरी बहन नहीं है, मतलब बहन काफी बड़ा स्टेटमेंट था ये, जो ये बात मम्मी पापा डिसाइड करेंगे, तुम कोई नहीं हो डिसाइड करने वाली। और गाइस इसकी बात सुन के आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं वो हूँ, और वो में मेरा मतलब बहुत गंदा था और ये भी गलीच है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, बोल लूं तो मैं आपको बीमार हूं यार मैं, चुप रहे अब। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, और मैं आपको वहीं पहुंच के बता दूं कि इसने रात को क्या हरकत की है और हम क्यों दोबारा से वहां जा रहे हैं। मेरे को तो ताला सा रहा है कि मैं सोच रही हूँ इसके पीछे से टिक के सो जाऊं एक्टिवा पे। ये जो हरकत है की ना, वहीं उतार दूंगी, चल चल। हाँ तो चल। ओ भाई की बात कर रही थी, रेडिसन आए हैं वापस से, और मैं आपको कुकू जी का नाटक बता दूं, कल रात में कुकू को पहले तो पसंद आई इसकी हुडी, लेकिन जब हम सब ट्राई कर रहे थे ना उसको पहन के, तो पहन के बोली कि इसको पसंद नहीं आया है, परेशान मैं हो रही हूँ, मेरी चॉइस अलग है, अब मैं क्या बोलूं। एक तो इसके लिए लेकर गए, अरे थैंक यू बट मैं नहीं पहनूंगी, क्या ही फायदा। तो जी हाँ, इसलिए फिलहाल हम दोबारा से आए रेडिसन की एग्जीबिशन में, तो अंदर जाके कुकू जी के लिए उसके पसंद का कपड़े डिसाइड करेंगे, और जो मेरी हुडी है आई माइट एक्सचेंज दैट, क्योंकि अब मौका मिल रहा है, तो क्योंकि पहन के मुझे वो इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, और जो हाई नेक पहना है ना मैंने, मुझे ऐसा कुछ और चाहिए। तो फिलहाल चल के देखते हैं, अगर अवेलेबल हुआ तो फिर मैं अपना भी एक्सचेंज कर लूंगी। अपना जो भी पसंद आए ना सब देख लियो, ठीक है, जितने चाहिए उतने ले लियो। गाइज मैंने यहाँ पे हाई नेक, एक तो मैं आपको बताऊँ यहाँ हाई नेक ना शिफ्ट हो गए, कल हम रात को जब आए थे तो वहाँ पीछे रखे थे, और हम पिछले 15 मिनट से यहाँ ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए, तो फिलहाल भाई ये रहे हैं। और कुकू को ट्रेनिंग करनी है ना, तो जी मैं अपनी हुडी वापस कर रही हूँ, उसकी जगह मैंने दो ऑप्शन है, एक तो ऑरेंज और एक रेड, तो मुझे लग रहा है कि रेड मुझ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आई माइट बाय बोथ ऑफ देम, बट कुकू जी इस प्लानिंग की वो मेरे से ट्रेनिंग करेगी, तो हम कुकू के मैचिंग का, मतलब कुकू के साइज का वापस से सेम मैच ढूंढ रहे हैं। गाइज डिसाइडेड है, अब ये लूंगी मैं, क्या भला है ये पता नहीं, ये ले ओ, इसको मैं लेकर आई हूँ, इसको ये पसंद आया, बहुत बढ़िया। ऑरेंज मिल ही नहीं रहा, ऑरेंज यार गाइज, हाँ इसके साइज का नहीं मिल रहा यार यहाँ पे, ये
और रहन दे तू। गाइस मैं इसको बोल रही हूँ कि अगर तुझे क्रिकेट की गेंद लगना है तो तू ये ले ले ब्रो, तू सेम ऐसी लगेगी। तो जी हम फिलहाल वाले सेक्शन में होकर आ गए। कुक्कू जी को वहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया, मतलब जैकेट्स वगैरह इसके इंटरेस्ट की है नहीं। हाईनेक अभी ले लिया हमने, मतलब लेंगे, बिल कराएंगे। और बाकी कुकू मैं बाहर वाला सेक्शन दिखा के लाती हूँ, शी माइट लाइक समथिंग उधर भी। तो चले भाई, बाहर भी है यहाँ पे, अंदर तो हमने पूरा देख लिया भाई। कुकू को ज्यादा कुछ पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। मैं क्या गाइस यहाँ पे ऊपर से डालकर देख रही हूँ बस। कुक्कू जी बेचारी मैंने क्वीन टाइप बनी बैठी है। बैग दिखा ना कहाँ लटका। मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर जूड़े पे लटका देगा। अगर मैं इसके ऐसे जूड़े पे लटका दूँ तो भी सही रहेगा ना, हैंगर टाइप लगेगा। तो जी फिलहाल ऑरेंज वाला जो मैं ले रही थी ना वो थोड़ा सा छोटा है, तो अच्छा हो यहीं ट्राई करके देख लिया। तो अब मेरे को दूसरा साइज ढूंढना पड़ेगा। दो मिनट बस। 5 मिनट और रुकना है। तब से मेरे हो गया गाइस, सब कुछ हो गया। हमने दो दो हाई नेक पसंद कर लिए। मैं बोला चले बिलिंग करा ले क्योंकि 4:30 बज रहे हैं। नहीं 5 मिनट और। वैसे पता नहीं है कि मेरे को जाके अभी व्लॉग का थोड़ा फिनिशिंग करनी है, काफी सारे काम है। अपलोड करते करते भी बहुत टाइम लग जाता है। हमने शॉपिंग कर ली है, अब हम जाके बिलिंग कराएंगे। हमने ये 4 हाई नेक की वो ली है। तेरे को मजा आया वैसे? हाँ भाई, कलेक्शन तो बढ़िया है, है ना? ऐसे कलर्स बहुत सही लगते हैं, है ना? हाँ, जैकेट के ऊपर। हाँ। और भाई हाई नेक तो अपन को चाहिए भी थे। चले फिलहाल चलो। एग्जीबिशन से बाहर आ गए हैं, होटल के बाहर खड़े हैं, मतलब होटल की प्रॉपर्टी में ही खड़े हैं। और हो गई हमारी सारी शॉपिंग। 2 वापस करने आए थे, 4 वापस लेकर जा रहे हैं, मतलब 2 वापस किए, 4 लेकर जा रहे हैं। तो जी फिलहाल अंधेरा होने वाला है, धूप तो गई, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि हम लेट हो गए हैं और 5 भी बजने वाले हैं। तो फिलहाल फटाफट से घर चलते हैं और घर जाके मुझे करनी है ढेर सारी एडिटिंग। चले 2 किलो कर दो। तो गाइस पापा जी ने अमरूद मंगाए थे, तो हम पापा के लिए अमरूद लेने आए हैं। बड़ी मुश्किल से मिले हैं भाई, बहुत ढूंढने के बाद। हाँ, और तबीयत खराब है तो पापा का बहुत मन हो रहा होगा। तो जी आ गए घर कपड़े लेके, पापा जी के अमरूद लेके। पापा आ गए आपके अमरूद। वेलकम मम्मी। कुक्कू मैं क्या बताऊँ, उसने मेरी कमर तोड़ दी, इसके लिए साइज निकाल निकाल के झुंड में से ढूंढे हैं भाई मैंने। क्यों कुक्कू है ना, ढूंढे हैं ना। झूठी मम्मी, आपको ब्लॉग में सब पता चल जाएगा। तो भाई माता जी हमारी लल्लन टॉप। क्या लैंग्वेज क्या बोल रही हूँ। तो भाई मम्मी हमारी इतनी कूल, इतनी स्वीट है ना, उन्हें ये बोला है मुझे कॉफी देते हुए कि भाई तू मेरा बच्चा सुबह से भाग दौड़ कर रहा है, तो मेरे लिए स्पेशल कॉफी बनाकर लाई है। अच्छा लगा मुझे काफी, वो इतनी अच्छी कभी कभी ही होती है ना, तो आज बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल हाँ एडिटिंग कर रही हूँ मैं, और साथ ही में कॉफी भी आ चुकी है हमारी, और साथ में हमारा पोंगा पंडित भी आ चुका है। तो भाई फटाफट से एडिटिंग खत्म करते हैं, कॉफी इंजॉय करते हैं, और फिर थोड़ी देर में ब्लॉग जाएगा, आप इंजॉय करना और फिर और ब्लॉग बनाते हैं। तो गाइज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी बात कर लूं, और वो याद रोज टांग अड़ाती है। और वो खुशखबरी ये है कि कुक्कू जी ने अपना तोहफा मुझे दे दिया है, माने इन्फेक्शन। मेरा सर बहुत तेज दुख रहा है और आपको मेरी आंखों से समझ आ ही रहा होगा। अरे वाह, खुशखबरी तो है, तालियां। ये एक माँ ही बोल सकती है। मम्मी अब माँ हूँ या क्या हो, पजामा हो। माँ और पजामा। मेरी माँ माँ नहीं है गाइज, आपको पता है ना क्या है, सुपर माँ। बेबी मॉम। तो जी फिलहाल खाने में आज कुक्कू ने स्पेशली मैगी बनवाई है। कह रही है कि तूने अपनी बीमारी कुक्कू दे दी, खुद मुझको दे दी। क्या क्या बोल रही हो, नशे कर लिए हैं क्या? और एक तो ये क्या तंदूर लगा है। कुक्कू ने अपनी बीमारी मुझे दे दी, ऐसा बोल रही है। नहीं क्या, नहीं आ चुकी है और मेरा विकेट डाउन है, मैंने बढ़वा दिया। हम नहीं बढ़ते भैया। ऐसी मम्मी को पता लगा ना कि मेरी तबीयत खराब हो रही है,
बिचारी ने ये नहीं बोला कि बेचारा मेरा बच्चा, चंट औरत ने ये कहा, ये देखो कैसे, अरे दूर रह कहीं मैं लपेटे में आ गई तो बस मैं ही बची हूँ घर में अपने। चुप रहे तभी। ओ भाई मेरा हंसने में भी सर दुख रहा है यार, क्या हो गया मेरे को? ठंड खा गई? ठंड नहीं खा गई, आप बताओ गाइस क्या हुआ है मेरे को यार, आप क्या बताओ यार, शिट भाई, डॉक्टर हो क्या? इतनी सी पाव भाजी बनाती थी जो एक दिन ही बने। तुम्हें कितने दिन खाना है तुम ये बताओ? मैं 4 दिन खाऊं खाना चाहती थी। देख लो गाइस कितने हप्पो मारे। क्या होता है बीमार पड़ते हैं ना तो ऐसा लगता है अपने माँ बाप के पास रहो, और पापा के पास सबसे ज्यादा कोजी तो मेरे को अपने पापा के पास फील होता है भाई। मैं तुमको एक सलाह देना चाहूंगी। क्या? तकिया, वो तुम्हारा हेडफोन, मोबाइल, तेज म्यूजिक वाले गाने जो उसमें डाउनलोड कर लेना जो तुम्हारे पास नहीं हो, और साथ में रुई, वो जो ईयर क्यों, अब ये तो बताओ, क्योंकि तुम्हारे पापा खर्राट नहीं लेते, चीखते हैं खर्राट। पापा आपकी बुराई हो रही है। तू चीटिंग मत कर। ओ ये हार गई। क्या हो रहा है? इसने आग बंद की। गाइस ये पिछले 15 मिनट से एक दूसरे को देख रहे हैं बस ऐसे ही। आउट आउट। मैंने कुछ नहीं किया। अरे तो हो जाओ कोई आउट, क्या पका रहे हो सालो? मैं तो मम्मी हूँ ना, तू आउट हो जा। पका आउट मम्मी हूँ तो हो जा। इसने पलक झपका ली, बोल ही नहीं पा। बाय गाइस गुड नाइट। तो जी 10:30 हो चुके हैं और अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा सर में पेन हो रही है, तो आज विदाउट एनी हंसी मजाक, विदाउट एनी वो, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर देना। बाकी हम आपको मिलते हैं जी कल। सो अगर आप अभी तक बने हो, लास्ट तो लाइनें भी भूल गई, अगर आप अभी तक बने हो तो थैंक यू वेरी मच, एंड वी ऑल विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।